हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर एक वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज भी जिम से हैं, वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। और आपके साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ कि दोस्त, टाइम इतना तेज़ी से निकल रहा है, इसको पकड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी होली कंप्लीट हुई है, मैं गांव से आया था, मैंने देखा स्थिति क्या है। मतलब माइंड कुछ सेट ही नहीं है, चीज़ें चली जा रही हैं, उनको खुद पता नहीं हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रखी हैं, दारू पी के पेड़ पे चढ़ गए हैं, देख रहे हैं खेतों की तरफ, रोडों पे पड़े हैं, नालियों में पड़े हैं। मतलब होली का तो नाम ही नहीं था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गंद फैली हुई थी। कोई किसी को रंग नहीं लगा रहा था, सिर्फ सिर्फ मौज मस्ती में थे और वो रंग का दिखावा था। असल में होली का मतलब ये होता ही नहीं है। होली का मतलब होता है अपनों को रंग लगाना, अपनों के साथ गले मिलना, खेलना उन परिवार के बच्चों के साथ जहाँ छोटी छोटी खुशियाँ बिखरी पड़ी हुई होती हैं। और अगर आप मेरी बात से सहमत है तो बताना और कमेंट कर बताना, किस किसने अपने मम्मी पापा को रंग लगाया, अपने भाई बहन को रंग लगाया, अपनी फैमिली को रंग लगाया। दूसरों को तो रंग लगाने की छोड़ो, पहले तो आप यही भूल जाते हो कि हमारी जीवन में कौन ज़रूरी है, कौन ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ एक समाज के हिसाब से सोशल इंफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन मैं जो 3 दिन गांव में रहने के बाद सीख के आया हूँ, बहुत अमेजिंग है। बहुत ही मैंने खुद को ऑब्जर्व किया और मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत है। यहाँ पर बताता हूँ कैसे। लोगों को मतलब ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, सामने वाला क्या कर रहा है, वो खुद क्या कर रहे हैं, वो खुद क्या चाह रहे हैं, उनके बच्चे क्या चाह रहे हैं। और जो युवा हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे सपने क्या हैं, हम क्या करें आगे, कोई मैटर ही नहीं है, चल रहे हैं, डीजे लगा लिया है, दारू पी रखी है, अंट संट भांगड़ेबाजी हो रही है। उनको ये नहीं पता है कि सेलिब्रेशन क्या होता है, होली का असली मतलब क्या होता है और आज का दिन हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। कुछ भी नहीं पता है किसी को। दोस्त, ये जान के बहुत सारा दुख हुआ, तो मेरे समझ में तो ये चीज़ आई कि इस बार जो हुआ है वो हुआ है, अगली बार चीज़ें चेंज करेंगे और काफ़ी हद तक हम चेंज करेंगे। लोगों के साथ में बैठ के इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये जो होली का त्यौहार आता है, इसको ऐसे सेलिब्रेट नहीं करना है कि आप नालियों में पड़े हो, आपके कपड़े फटे पड़े हैं, आप पेड़ पे चढ़ गए हो दारू पी के, आप जो है खेतों में भाग रहे हो, घास खा रहे हो, नदी तालाब में लौट रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। ये होली का त्यौहार अपनों के लिए है, उनके साथ गले मिलो, खेलो, कूदो। फिलहाल वर्कआउट करने वापस आ गया हूँ मैं, फिर से उसी मुद्दे पे आता हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है, जो भी लोग देख रहे होंगे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। अगर 2 मिनट भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है, मैं नहीं कहता हूँ आप लाइक करो, आप कमेंट करो, आप सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को, या फिर मुझे भी देखो, बिल्कुल मत देखो दोस्त। और ऐसे इंसान को आप किसी को मत देखो जहाँ से कुछ सीख नहीं रहे हो। हंस के क्या करोगे जीवन में, 20-20, 30-30 मिनट की वीडियो देखते रहते हो, हंसाते रहते हैं, वो आपको आपके जीवन की सच्चाई समझा रहे हैं? क्या आप कुछ ऐसा रिलेट कर पा रहे हो, एक लाइन भी जो आपके जीवन को बदल दे? नहीं ना। उन सारी चीज़ों को आप छोड़ दो जो आपको नहीं बदल पा रही हैं, आपको नहीं सिखा पा रही हैं। एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना। अगर आप युवा हैं, पढ़ाई और माँ बाप की इज्जत के अलावा आपके जीवन में दूसरी चीज़ होनी नहीं चाहिए। अगर आप बुद्धि से स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, माँ बाप के प्यार को नहीं समझ पाएंगे, उनकी फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे, अपने परिवार की स्थिति को नहीं समझ पाएंगे, अपनी स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। आप चाहते हो खुद को बदलना, आप ये भी चाहते हो कि जीवन में बड़ा करें, आप ये भी चाहते हो कि आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलें, आप सब कुछ अपने सपने पूरे करें पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि जो बुक आप पढ़ रहे हैं, और जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी क्लास में आप हैं, जिस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, उसकी बुक्स पहले पूरी पूरी पढ़ने की हिम्मत डालिए। ज़्यादातर तो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरे भाई वीडियो देख रहे होंगे, कभी अपना सिलेबस ही पूरा नहीं पढ़ा होगा, ये हकीकत है। बहुत लोग नहीं करते हैं, ज्ञान में अधूरे रह जाते हैं, यही वजह होती है। खैर, इस चीज़ पे तो आप काम कर लोगे मुझे पता है, लेकिन जो मेन चीज़ का मुद्दा था जिसलिए मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था, वो ये था मेंटेलिटी,
कैसे चेंज करें, विचारों में परिवर्तन कैसे लेके आएं। जो चीज़ मुझे गांव में बुरी लगी है, मैंने देखी है वहाँ, ये है कि मतलब एक तो वो खुद से चीज़ों के लिए अवेयर नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, उन्हें प्रॉपर चीज़ें समझाने वाला कोई नहीं है, सोच की कमी है, समझ की कमी है। और ये चीज़ कैसे विकसित होगी? हम जैसे युवा जब तक चीज़ों को नहीं फैलाएंगे, छोटे बच्चों को नहीं समझाएंगे, परिवार के लोगों को नहीं समझाएंगे, उनको गाइड नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। वहाँ का माहौल तब तक वैसा ही रहेगा जब तक उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की जाएगी। और वो चेंज जैसे नहीं होगा, धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे क्वालिटियों को और वहाँ इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या उनके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है आप खुद को बदलिए, उसके बाद अपने परिवार की चीज़ों को समझिए, छोटे बच्चों को इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनको ज्ञान भरिए, उनको उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण ज्ञान है उसके उसके लिए उनको जागरूक कीजिए। खुद बदलेंगे, परिवार की स्थिति बदलेगी, लोग बदलेंगे, धीरे धीरे मोहल्ला बदलेगा, फिर आपका जो भी आसपास का सराउंडिंग हो वो बदलेगा, धीरे धीरे गांव की स्थितियां बदलेंगी। एक लोग का काम नहीं है, गंद भरी पड़ी है लोगों के दिमाग में, वो आपको सुनना नहीं चाहते। कौन समझेगा आपको, आपकी बातों को कौन समझेगा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ 70 से 80 रुपए की दारू दे दो, उनको मस्त रहने दो। मैं नहीं रोक पाऊंगा इस चीज़ को चाहकर भी, क्योंकि ये नशा है एक प्रकार का। जब तक आप खुद को नहीं रोकेंगे और अपने परिवार को नहीं रोकेंगे, आप अपने छोटे भाई बहन, सॉरी लड़कियां तो नहीं हैं फिलहाल, छोटे भाई हैं या फिर बड़े भाई हैं या फिर पापा हैं चाचा हैं, एक बार प्यार से कहना कि बंद करो, बहुत हुआ, इस चीज़ को बंद करो। छोटे बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत इम्प्रेशन जा रहा है इस चीज़ से। आप नशे में ही मस्त हो, आपको नहीं पता है उनका करियर कहाँ जाएगा, छोटे बच्चों का, उनके भी कुछ सपने हैं और उनकी भी कुछ खुशियाँ हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे इस चीज़ को, अपना जीवन खराब करने पर तुले हुए हो, उसके चक्कर में आने वाली पीढ़ियों भी खराब होती जा रही हैं। इस चीज़ को समझें, धीरे धीरे रोकें। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम से इसको बैन कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत हावी हो चुका है दिमाग पे, मैंने खुद देखा है। दुनिया को बदलना है, उससे पहले आप खुद को बदलें, आपका परिवार को समझें, उनको बदलने की कोशिश करें, धीरे धीरे सब लोग बदल जाएंगे। इसकी जगह दूसरी जगह दिमाग लगाइए, कुछ नया स्टार्ट कीजिए, कुछ नई सोच रखिए जो आपको अच्छा खासा कुछ सिखा के जाएगी, है ना। बस इतनी सी वीडियो है, चेंज योर थिंकिंग, बस पूरी वीडियो का निचोड़ यही है, अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच में परिवर्तन लेके आए, विचार अच्छे कीजिए, विचारों में परिवर्तन लेके आएंगे, हाँ जीवन अपने आप बदल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, बहुत ज़्यादा शूट करने का मन भी नहीं था क्योंकि मैं भी आज ही वापस आया हूँ गांव से, चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा, मोटिवेट करता रहूँगा, बहुत गजब कंटेंट लेके आ रहा हूँ। दूसरे वाले चैनल पर तो आप अमेजिंग, योर लाइफ चेंज दोस्त, हकीकत है, आप फोकस हो जाओगे अपने सपनों के लिए, आपके अंदर की ऊर्जाएं बढ़ने लगेंगी, जो अंदर आपके एक इंसान छुपा है जो बहुत पावरफुल है वो बाहर आएगा निकल के, बस आप वीडियो को देखना, फॉलो करना उसमें बताए हुए नियम। चैनल तो आपको पता ही होगा, फ्यूचर ज्ञान वाला चैनल, दूसरा वाला जिसपे मैं लाइफ चेंजिंग वीडियो लाता रहता हूँ, इस पर फिटनेस की वीडियो आती है सिर्फ। थैंक यू।